all my lovely student out there, and welcome back to your own study platform. I am back with another interesting video for you. So student, last lecture में आपको पता है हमने मून विन की रीडिंग की थी अपनी ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश से. सो आज हम अपनी नोटबुक के पे उसके मीनिंग्स और समरी राइट डाउन करेंगे. सो आर यू गाइज एक्साइटेड? येस आई एम टू. सो सबसे पहले हमारे पास हैं राइट मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स. हमने कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े थे, आज हम उनके मीनिंग यहाँ पर अपनी नोटबुक पर लिखेंगे. ठीक है, पहला वर्ड है हमारे पास स्क्वैक. स्क्वैक का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, शाउट करना. ठीक है, सेकेंड है हमारे पास क्लाउड. क्लाउड का मतलब होता है रोकना, मारना, किसी चीज़ को रोकना या हिट करना. ठीक है, थर्ड है हमारे पास फ्लाउंडर्स. फ्लाउंडर्स मीन लड़खड़ाना, डूबते हुए मुज़म्मत करना, यानी कि शेक करना. जैसे उन्होंने बुक में बताया था कि स्ट्रगल करना, जैसे कि कोई कीचड़ में फंसा हुआ होता है. ठीक है, नेक्स्ट है मार्की. मार्की हमने पढ़ा था लार्ज टेंट, बहुत बड़ा खैमा कह लें. ठीक है, उसके बाद है स्क्वैल. स्क्वैल मीन झक्कड़, तूफान, यानी हवा की जब बहुत ज़्यादा स्पीड होती है तो उसके लिए हम स्क्वैल का वर्ड यूज़ करते हैं. उसके बाद है अटर. अटर मीन्स कम्प्लीट, मुकम्मल. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बूम. बूम का मतलब होता है तेज़ हवा, यानी जब बहुत तेज़ी से हवा चलती है तो उसके लिए हम बूम का वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है, लास्ट है हमारे पास एगोग. एगोग एगोग का मतलब होता है इश्तियाक. इश्तियाक मीन हैरान होना, तजस्सुस होना, एक्साइटेड होना कोई चीज़ जानने के लिए कि ये क्या हो रहा है. ठीक है, चले अब हम इसकी समरी की तरफ मूव होते हैं. तो आप स्टेटमेंट यहाँ पर राइट कर लें, राइट डाउन द समरी ऑफ मून विंड, यानी हम मून विंड की समरी लिख रहे हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. द पोएम मून विंड इज रिटन बाय अ वेरी फेमस पोएट नेम टेज हग्स, यानी जो हमारी पोएम मून विंड है उसको एक फेमस पोएट ने लिखा है जिसका नाम है टेज हग्स. ठीक है, इन दिस पोएट पोएम द पोएट प्रोवाइड अस अ वेरी स्ट्रेंज पिक्चर ऑफ द विंड दैट ही इमेजिन्स टू बी प्रेजेंट ऑन द मून. कहते हैं इस पोएम के अंदर पोएट ने हमें एक बहुत अजीब सी पिक्चर जो है वो पेश करने की कोशिश की है, क्योंकि उसके मुताबिक जो है वो मून पर क्या चीज़ मौजूद है, विंड. हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है. एज वी ऑल नो दैट देर इज़ नो विंड ऑन द मून, जैसे कि हम सबको पता है कि चांद पर हवा की मौजूदगी नहीं है. द विंड इज़ नॉट प्रेजेंट एट ऑल, बट ही इमेजिन्स विंड इन ऑल द एस्पेक्ट्स. लेकिन उसने बहुत से ऐसे सिचुएशंस हमारे सामने लाई हैं जिसमें वो इमेजिन करता है कि विंड मौजूद है. लाइक जैसे कि ही अज्यूम्स दैट, उसे ऐसा लगता है द विंड कैन ब्लो ऑफ योर कैंडल, के चांद पर हवा जो है वो आपकी कैंडल को बुझा देगी. द विंड कैन टच योर स्किन, विंड जो है आपकी स्किन के साथ टच हो सकती है, यानी कि आपको फील हो सकती है मून पर. द विंड कैन बी चेंज इंटू अ स्टॉर्म और स्क्वैल, जो विंड है मून पर वो कभी तूफान, कभी झक्कड़ की फॉर्म में जो है वो अपने आप को चेंज कर सकती है. इट कैन शेक योर फीट, वो आपके पाँव को हिला सकती है, यानी आपको लड़खड़ाने पर मजबूर कर सकती है. एंड कैन मूव यू फ्रॉम योर प्लेस, और आपको अपनी जगह से हिला भी सकती है. तो स्टूडेंट, ये एक बहुत ही आयरोनिक बात है, फनी बात है कि एक तो मून पर कोई विंड मौजूद नहीं है और दूसरा कि वो बता रहा है कि विंड मून पर किस किस तरीके से आपको फील हो सकती है. इवन देयर इज़ कम्प्लीट स्टिलनेस ऑन द मून, हालांकि चांद पर बिल्कुल एक स्टिल माहौल है क्योंकि वहाँ पर किसी चीज़ की मौजूदगी नहीं है. बट देयर इज़ अ थंडर और अ गस्ट ऑफ विंड, लेकिन जो है वहाँ पर हवा का तूफान, झक्कर जो है वो चलता है. स्टूडेंट, ये सारी जो है ये पोएट की अपनी इमेजिनेशन है, क्योंकि हम सबको पता है देयर इज़ नथिंग ऑन द मून. द पोएट देन गोज ऑन टू पॉइंट आउट दैट द विंड सीम्स टू बी हॉलिंग ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द मून. फिर पोएट जो है वो इस चीज़ की तरफ भी इशारा करता है कि मून की सरफेस के ऊपर हवा जो है वो इधर उधर मंडला रही है. हॉलिंग ऑल ओवर का मतलब होता है इधर उधर मंडलाना. बट इट इज़ डूइंग सो इन अटर स्टिलनेस, लेकिन वो ये सारा कुछ बड़ी खामोशी के साथ कर रही है. दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, ये बहुत ही एक हैरत की बात है. आपको पता है इस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, ना कोई सिचुएशन है चांद पर. इन दिस पोएम वी ऑल्सो कम अक्रॉस वेरी अनयूजुअल थिंग्स, कहते हैं इस पोएम में जो है हम बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें होते हुए भी देखते हैं, सच एज अ स्क्वैल ऑफ कैबेजेस एंड समर सॉर्टिंग जिराफ, जैसे कि
स्क्वायल हमने पढ़ा था, तूफान झक्कड़, यानी कि गोभी का झक्कड़ उड़ता हुआ आना आपकी तरफ, ठीक है। इसके अलावा समर सॉल्टिंग जिराफ, यानी करतब करता हुआ जिराफ। इट इज़ वेरी कॉमिक टू इमेजिन ऑल दीज मोशंस एंड प्रेजेंस ऑन द मून। वो कहते हैं कि ये एक बहुत ही कह लें अन इमेजिनरी सी बात है, एक फ़नी सी बात है कि ये चीज़ इमेजिन करना कि ये सारी हरकत सिचुएशन जो हैं ये मून पर मौजूद हैं। इन शॉर्ट वो कहते हैं मुख्तसर, दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट द थिंकिंग एंड इमेजिनेशन ऑफ द पोएट हिमसेल्फ। वो कहते हैं इन शॉर्ट, लेकिन ये सारी जो थिंकिंग और इमेजिनेशन हैं ये पोएट की अपनी हैं, इसका हकीकत से रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। His purpose is only to amuse his audience. उसका मकसद सिर्फ अपनी audience को जो है वो थोड़ा सा entertain करना है, हैरत में डालना है। So student, we have done with our word meanings and summary of our subtopic moonbin. I hope आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी, but इन केस आपको कुछ समझ नहीं आई रीडिंग में, इसकी ट्रांसलेशन में, समरी, वर्ड मीनिंग्स, वट एवर, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट्स और क्वेरी, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।